नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आया हूँ दिल्ली के राजघाट पर, जहाँ पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि है। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजघाट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि यहाँ पर आप कैसे पहुँचें, राजघाट के नज़दीकी कौन सा मेट्रो स्टेशन है, राजघाट की क्या टाइमिंग है, यह इतना प्रसिद्ध क्यों है, क्यों यहाँ पर देशी और विदेशी टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है। हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, घूमते हैं राजघाट और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। साइड में आप देख रहे हो वाइट पत्थर पे महात्मा गांधी के कोट्स लिखे हुए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इन पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप कभी भी आएँ तो ज़रूर पढ़ें। यहाँ का मुख्य आकर्षण दोस्तों महात्मा गांधी की समाधि और समाधि के चारों तरफ ये हरा भरा गार्डन, छोटे छोटे पेड़ पौधे, फूल, जो टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह राजघाट दिल्ली 6 में दरियागंज के पास स्थित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस राजघाट की दूरी 5 किलोमीटर है। आप यहाँ पे दिल्ली के लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से दरियागंज से आपको दिल्ली के लोकल ऑटो और बैटरी रिक्शा भी डायरेक्ट आपको यहाँ तक के लिए मिल जाएंगे। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो इसके नज़दीकी दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर हम अपने जूते चप्पल यहाँ पर उतारेंगे, फिर यहाँ से हमको अंदर जाना होगा समाधि के पास। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है, अगर आप यहाँ पे आएँ तो इसको ज़रूर पढ़ें, बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है दोस्तों। आइए अब मैं आपको महात्मा गांधी की समाधि के पास ले चलता हूँ। आप देख सकते हो चारों तरफ हरा भरा गार्डन, पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य है यहाँ का। समाधि के पास आने के लिए पार्क के चारों तरफ से एंट्री है। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी काफ़ी अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, हर समय यहाँ पे 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है। दोस्तों आप सामने देख रहे हो काले संगमरमर के पत्थर से बनी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ये समाधि है, और समाधि के ऊपर आप देख सकते हो लिखा हुआ हे राम। हे राम महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे जब मरते वक्त उन्होंने बोले थे हे राम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर हमेशा ये ज्योत 24 घंटा जलती रहती है, आप देख सकते हो। समाधि के पास शोर शराबा करना मना है, यहाँ पे शांति से महात्मा गांधी जी की समाधि देखिए, दर्शन कीजिए, और यहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। समाधि के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। ये जगह रील्स बनाने वालों के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए बहुत ही खूबसूरत ये जगह है, वो लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों ये राजघाट सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक प्रतिदिन खुला रहता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एंट्री टिकट या कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर गांधी जी की समाधि देखने के लिए आते हैं। दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो को लेकर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप ये खूबसूरत गार्डन देखते रहिए, अब मैं चलता हूँ, अब मैं आपको मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और धन्यवाद।